गरुड़ विकास खंड के न्याय पंचायत भिलकोट में गुलदार का आतंक लोगों के लिए दहशत का कारण बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई महीनों से भिलकोट क्षेत्र के गांवों में गुलदार सहित जंगली सुअर, बंदर व शॉल का आतंक बना हुआ है। जंगली जानवर मवेशियों का शिकार कर रहे हैं तथा ग्रामीणों पर हमले भी कर रहे हैं। भय व दहशत के साए में जी रहे ग्रामीणों का खेतों में तथा बाजार जाना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने गुलदार सहित जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ये हमारे भिलकोट न्याय पंचायत में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार गुलदार का इतना आतंक बढ़ते जा रहा है। पिछली बार वहाँ पर 2-3 मासूमों की जान गई थी। आजकल लगातार रात को जो है जानवरों का जो है गुलदार शिकार कर रहा है। वन विभाग को इसके बारे में सूचना दी गई है। परसों ही ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ के लेके आई और पुलाव के जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे जो है गुलदार वहाँ और भी खौफनाक हो गया। उसी रात को उसने एक ब्याने वाली गाय मारी, गोट के अंदर से गाय को बाहर खींच के वहीं पर गोट के अंदर गाय को मार रखी है और बकरियां मार रखी हैं और कुत्तों का तो कोई गिनती नहीं है। मतलब किसी के घर पर भी आजकल कुत्ता नहीं है, क्योंकि सारे जो है बाघ ने सारे खत्म कर दिए हैं। और वन विभाग को इसके बारे में सूचना भी दी गई है। वन विभाग का काम बिल्कुल भी वो नहीं है कि सर देखो बंदरों का आक्रमण तो हमारे वहाँ मतलब लगातार 4-5 वर्षों से है। कई बार वन विभाग को भी हमने सूचित किया कि इन बंदरों को पकड़ के जाली में बंद करके कहीं दूसरे जंगलों में जहां उनको पूरा भोजन मिले वहां पुनर्वास के लिए भेजा जाए। और जहां तक है बाघ का जो गुलदार का आतंक है, विगत 2-3 वर्षों से सबको विदित है। इस क्षेत्र में हमारे हरिनगरी ग्राम सभा में 2 बच्चों को उसके द्वारा निवाला बनाया गया था। अभी मेरी ग्राम सभा में जस्ट एक हफ्ते पहले मेरे पड़ोस में प्रमोद कुमार की बकरी को सुबह 4 बजे एक अरविंद गौशाला से बाहर निकाल के उसको मार दिया गया और अपना निवाला बना लिया गया। और जस्ट कल सुबह मेरे गांव में ही फिर दूसरी घटना को उसने अंजाम दिया। ब्याने वाली गाय को अंदर से घिसट के बिल्कुल बाहर उसके गौशाला के बाहर उसको ऑन द स्पॉट उसको मतलब मार के और उसका जो ब्याने वाला बच्चा था उसको पेट फाड़ के बाहर निकाला था। और गाँव में इतना आक्रोश है कि रात भर जो भी लोग हैं बाहर आने में बिल्कुल डर रहे हैं। और वन विभाग को सरपंच द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्री लक्ष्मण राम आर्य जी द्वारा कई बार हमने उनको चेताने की कोशिश की कि आप जो भी है यहाँ बाघों को और बंदरों को पकड़ के उनको पुनर्वास के लिए कहीं उनकी व्यवस्था बनाए। बिल्कुल कान की में अंगुली डाल के वन विभाग बिल्कुल बैठा पड़ा। न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।